इस साल 3 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगने हैं, जिसमें से पहला चंद्र ग्रहण 21 जनवरी को लगा था, तो वहीं दूसरा 27 जुलाई को लगा था, और अब साल का तीसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है जो कि 11 अगस्त को लगेगा। बता दें कि 11 अगस्त को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बाद अब इस साल कोई भी ग्रहण नहीं लगेगा। साल का तीसरा सूर्य ग्रहण इस बार अगस्त के महीने में पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा और भारत में इसका असर नहीं होगा, फिर भी भारत में ये ग्रहण माना जाएगा। ये ग्रहण सावन अमावस्या पर लगने वाला है। शनिवार होने के कारण शनिचरी अमावस्या भी है और हरियाली अमावस्या भी है। इसी दिन से नवग्रह यात्रा भी शुरू होगी, इसलिए ये दिन मंत्र सिद्धि और दान धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि ये ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि एक महीने के अंदर ये तीसरा ग्रहण है। ये ग्रहण मानव जाति और प्रकृति में काफी हलचल पैदा कर सकता है। ये ग्रहण रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्कैंडिनेविया, स्वालबार्ड और चीन में दिखाई देगा। सूतक ग्रहण काल से करीब 12 घंटे पहले लग जाएगा। ग्रहण शनिवार को दोपहर 1:32 से शुरू होगा और शाम को 5 बजे तक रहेगा, यानी कि 10 अगस्त को देर रात 1:30 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। ग्रहण के बाद ग्रहों की चाल बदलती है, जिससे कई लोगों पर इसका असर भी सकारात्मक तो कई राशियों के लोगों पर नकारात्मक पड़ेगा। वही 11 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली भी रहने वाला है और इस ग्रहण के खत्म होते ही इनके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का भी अंत हो जाएगा और इस सूर्य ग्रहण के बाद आपका अच्छा समय भी शुरू होगा और आपकी सफलता के योग बनेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं उन राशियों के बारे में। पहला, मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आने वाला समय अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में विस्तार संभव है, अटके हुए धन की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में भी लाभ बढ़ेगा। दूसरा, तुला राशि। तुला राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण से विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार संभव है, अटके हुए धन की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में लाभ बढ़ेगा, घर में खुशी होगी, विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। तीसरा, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों पर इस सूर्य ग्रहण से इनके करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, व्यवसाय में धन लाभ बढ़ेगा, मित्र से भेंट होगी जिसकी वजह से किसी नए प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की संभावना बनी रहेगी, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। चौथा, मीन राशि। इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मीन राशि वालों की इच्छा शक्ति में वृद्धि होगी, छोटी यात्रा का योग बनेगा, यात्रा मंगलमय रहेगी, पारिवारिक संबंधों में सुधार बनेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और नौकरी पेशे वाले व्यक्तियों को प्रमोशन भी मिल सकता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।